खबरों में आगे बढ़ते हैं। पंजाब विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर चुकी आम आदमी पार्टी सरकार ने जहां एक और 100 दिन पूरे कर लिए हैं, तो वहीं वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट की भी घोषणा कर दी है। आपको दिखाते हैं पंजाब बजट की कुछ खास झलकियां। मुख्यमंत्री भगवंत मान की पंजाब सरकार ने 100 दिन पूरे होने के साथ ही जहां अपने चुनावी वादे पूरे किए, वहीं वित्त वर्ष 2022-23 का बजट भी जारी कर लिया है। मैं वित्तीय साल 2022-23 लई 1,55,860 करोड़ रुपए के कुल बजट खर्चे की तजवीज रखता हाँ। पंजाब के लोगों के लिए 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दी गई है और साथ ही इस बार बजट में कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं जोड़ा गया है। पंजाब के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियों में 25,454 वैकेंसियां निकाली जाएंगी, जिसके लिए 714 करोड़ रुपए की घोषणा की गई है। साथ ही साथ सरकार ने 36,000 कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को रेगुलराइज करने का भी वादा किया है, जिसके लिए 540 करोड़ का एडिशनल प्रोविजन बजट में दिया गया है। पंजाब वासियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी सरकार ने हेल्थ बजट को 24% बढ़ा दिया है। राजधानी दिल्ली की ही तरह पंजाब में भी 117 मोहल्ला क्लिनिक्स पर काम शुरू कर दिया गया है, जिसके लिए 77 करोड़ रुपए की राशि बजट में प्रदान की गई है। आम आदमी पार्टी की सरकार इस नु लेके बेहद संवेदनशील है अते यकीन बनाउण दी कोशिश करेगी कि सड़क हादसों का शिकार हुए हर व्यक्ति नु बचाया जा सके। इसलिए सर नवी दिल्ली दी जिहड़ी फरिश्ते स्कीम दी तर्ज ते पंजाब विच भी सर इस स्कीम दी शुरुआत कीती जावेगी। कृषि क्षेत्र में किसानों का ध्यान रखते हुए पंजाब सरकार ने कहा है कि इस वर्ष 11,560 करोड़ रुपए की राशि फार्मर वेलफेयर फंड में दी जाएगी। और फिलहाल